बनासकांठाना धानेरामां 55 दिवस करता વધુ સમય બાદ આજે બસ સ્ટેશનમાં બસ આવી। આજથી સમગ્ર ગુજરાતમાં બસ સેવાનો આરંભ થયો છે। જો બનાસકાંઠા જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો સવારે 8 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી બસ ચલાવવામાં આવશે। 65 જેટલી એસટી બસો જિલ્લામાં 424 જેટલી ટ્રીપ કરશે। તાલુકાથી તાલુકા મથક સુધી બસો ચલાવવામાં આવશે। मात्र ई टिकिट बुक करावेल मुसाफरो ने लाभ लई शकशे। दरेक बस डेपो पर मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गन और स्केनिंग करवामां आवशे। जो वात रूटनी करवामां आवे तो अंबाजी 35 दिशा, 49 दियोदर, 98 पालनपुर, 142 और थराद डेपो 104 रूट करशे। जे बाबते 65 जेटली बसों फाळववामां आवी छे अने दरेक जग्याए सोशियल डिस्टन्स पर भार मूकवामां आव्यो छे। सुरेश कल्चर, ZSTV, बनासकांठा। हाल में डीसा डेपो द्वारा एसटी निगमनु संचालन चालू करवामां आवेल छे। तेनी अंदर पॉइंट टू पॉइंट द्वारा संचालन चालू करवामां आवेल छे, जेनी अंदर डीसा थी धानेरा, धानेरा थी थराद, डीसा थी थराद आ रीते संचालन करवामां आवेल छे। डीसा डेपोनी 15 बसोनुं हाल में संचालन चालू करवामां आवेल छे। हालनी अंदर धानेरा डेपोनी अंदर बस आवेल छे। तेनी अंदर थर्मल स्केनिंग गनथी तमाम मुसाफरोनुं टेम्परेचर चेक करवामां आवे छे। जे कंई शंकास्पद मुसाफरो पड़े तो एने तात्कालिक 104 द्वारा संपर्क साधी और हॉस्पिटल अंदर एडमिट करवामां आवे छे अने तेमने सेनेटाइजर करवामां आवे छे। दरेक मुसाफर सोशल डिस्टन्स बसनी अंदर जळवाय रीते एमने बेसाडवामां आवे छे अने ड्राइवर कंडक्टर पण एनो सेनेटाइजरनो उपयोग करी अने मुसाफरोने सावचेत राखी अने बेसाडवामां आवे।